जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि सभी लोग, जैसे कि रिश्ते हमारे, कभी कभी क्या होता है कि भाई बहन की आपस में नहीं बन पाती है, या फिर पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, बच्चों के साथ माँ बाप के रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए जिससे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सके और हमारे रिश्ते जो है एकजुट होकर हमारे साथ रहें। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी। जय माता। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, चाहे रिश्ता बहन और भाई का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बाप बेटे का हो, या माँ बेटे का हो, या किसी का भी, या व्यापारिक तौर पर हो। कई बार दुकानदारी में भी हमारी अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। तो आज मैं एक ऐसा दिव्य पाठ आपको बताऊंगा जिसको पढ़ने से आपके घर में जो लड़ाई है वो खत्म होने लग जाएगी। और उस पाठ के माध्यम से आपने क्या करना है, उस पाठ को करने से आपको विजय भी हासिल होगी हर क्षेत्र में, हर कार्य में। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आपके पति के साथ विचार नहीं मिल रहे, तो कई बार ऐसा लगता है कि पत्नी के साथ पति के नहीं मिल रहे और पत्नी की पत्नी के साथ नहीं मिल रहे, तो इस पे क्या है, कई बार माँ बेटे के नहीं मिल रहे, बाप बेटे के नहीं मिल रहे, व्यापार तौर पे नहीं मिल रहे। तो हमें ऐसा एक उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। ये उपाय है, एक सिद्ध उपाय है। इस ये उपाय अभी तक आपको यूट्यूब पर भी नहीं प्राप्त होगा जो मैं आपको बताऊं, यह हमें खुद अपने गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ था। क्या होता है कि जब भी आपके घर में लड़ाई होती है तो आप एक संकल्प ले लीजिए, एक 10 रुपए की दरखास्त लीजिए। जब लड़ाई हो रही होती है उसको, या तो अगर आपकी तुरंत जैसे लड़ाई हो रही है तो अंतर मन में आपने कहना है कि हे बाबा, अगर हमारी जिस भी कारण से लड़ाई हो रही हो, ये दरखास्त के माध्यम से इसको अभी स्तंभित कर दीजिए, अभी इसको खत्म कर दीजिए, रोक दीजिए। और उस दौरान मैं आपका दिव्य पाठ, ऐसा पाठ मैं आपका करूंगा जिस पाठ में सुग्रीव और प्रभु श्री राम का मिलन है, जिस पाठ के अंदर सुग्रीव और प्रभु श्री राम का मिलन है। हे बाबा, आपने पहली बार आपने जब देखा प्रभु श्री राम के सामने, आपने साधु वेश धारण किया था, उस साधु वेश से प्रभु श्री राम ने आपको पहचान लिया था, तो उस पहली झलक को मैं आज आपको स्मरण करवाता हूं। लगातार अगर आप हनुमान जी को इस प्रकार का पाठ का स्मरण कराओगे या याद दिलाओगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह नहीं रहेगा। उससे प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई थी और सच्चाई की जीत हुई थी। आपको पता है कि जब बाली ने उनकी पत्नी को रख लिया था तो प्रभु श्री राम ने हर कानून को ध्यान रखते हुए, अत्याचार को देखते हुए, तो बाली का वध किया था। आपको पता है इस बात का कि प्रभु श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, हर कार्य को मर्यादा में रखे, लेकिन अपने अनुज की पत्नी को अगर आप रखोगे तो ये मर्यादा के खिलाफ है। तो अगर प्रभु के सामने अगर इस प्रकार का आपका घर में कलह हो रहा है, या कोई तांत्रिक ने कैसा कार्य कराया है, या कोई तंत्र आपके घर में ऐसा करवाया गया है, तो इस पाठ से वो भी शांत हो जाए, वो भी आपके घर में नहीं होगा। पाठ कौन सा है? पाठ है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड का माना जाता है कि अगर इसका पाठ 41 डेज तक, या कोई स्त्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, 21 दिन तक आप इसका पाठ कर सकते हैं। तो आप इसका पाठ लगातार करना है सुबह और शाम। इस पाठ के अंदर आपको करना क्या है, इस पाठ में आपने चमेली तिल के तेल का दीपक लगाना है, और थोड़े से तिल आपने उसमें मान लो दीपक में रखने हैं, और विनय प्रार्थना करनी है श्री बालाजी महाराज से, प्रभु श्री राम की स्वरूप के सामने आप इस पाठ को करते हो। और इस पाठ को करने से पहले सीताराम की माला का जाप करना है। यकीन मानिए भक्तों, अगर सच्चे मन से आपने ये पाठ किया, सिद्ध उपाय मैंने आज आपको दे दिया, आप व्यापार में बैठे हो, व्यापार में बैठकर आप गद्दी पे भी बैठकर इसका पाठ कर सकते हो, और अगर आप घर में बैठे हो तो घर में भी कर सकते हो। समय जो है वो आपके टाइम के अनुसार होगा, जिस हिसाब से आपको शूट करता है, जिस हिसाब से आपको ये लगता है कि ये समय मेरे लिए सही सदुपयोगी है, तो उस समय आप कर सकते हो। इस पाठ को करने में आपको कोई ब्रह्मचारी नहीं रहना, किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं है,
मीट और दारू का परहेज तो हर के जगह है, कोई भी हनुमान जी की भक्ति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, मीट अंडा दारू इस चीज का तो परित्याग आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना है। तो आपने इस पाठ को किया, इस पाठ में एक विशेष चीज का और ध्यान रखना, एक कटोरी लेनी है आपने और उसके अंदर थोड़ा सा आपने शक्कर रखनी है। क्या रखनी है? शक्कर, या शक्कर हो या कोई चीनी हो या कुछ भी, थोड़ा सा उसमें आपने घोल बनाना है उसका, और वो हनुमान जी के सामने आपने उस चीज का भोग लगाना है और प्रार्थना करनी है जिस प्रकार से इसमें मिठास है हे प्रभु, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी मिठास हो जाए। जिस व्यक्ति के साथ आपका खले रहता है, चाहे कोई लड़का किसी लड़की के साथ प्रेम है, में है, या पति पत्नी के साथ है, या बाप बेटे के साथ है, और किसी का भी कोई भी रिश्ता हो, यानी कोई भी रिश्ता हो, उस व्यक्ति का नाम लेना है अपने कि मेरा उनके साथ जो है ये क्लेह रहता है, हे प्रभु इसी प्रकार से प्रेम और मिठास जो है हमारे जीवन में घोल दीजिए। जैसे ही आप ये भोग लगाने लग जाओगे हनुमान जी महाराज से, जो भोग लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपके जो चक्षु हैं वो बंद होने चाहिए, जो आपकी आंखें हैं वो बंद होनी चाहिए, आपको श्री चरणनिधि दिखाई देनी चाहिए, खड़ाव पहने हुए हनुमान जी महाराज आपको दिखाई देंगे अपने आप ही। आप खुद देखना, आपने ये देखना कि हनुमान जी ने धोती डाल रखी है और खड़ाव डाल रखी है, और अब उनके चरण आपको अपने आप महसूस होने लग जाएंगे। उनके चरणों का स्मरण कीजिए, उसी ब्राह्मण स्वरूप का स्मरण कीजिए जो उन्होंने प्रभु श्री राम के सामने धारण किया। देखना इस पाठ का इतना रिजल्ट मिलेगा, इतना रिजल्ट मिलेगा, आप स्वयं कहोगे कि हमें इस पाठ का रिजल्ट बहुत प्राप्त हुआ है। किसी के साथ कितनी भी आपके साथ लड़ाई हो रही हो, इससे आपकी तुरंत सलाह हो जाएगी, या कुछ जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। फिर उस भोग का क्या, उस भोग का आप सेवन कर सकते हो परिवार में सेवन कर सकते हो, जिसके साथ आप जिसको इन्होंने बोल दिया तो मैंने ये बात बोल दी, जिसको आप वो पिलाओगे वो आपका ही होता जाएगा। तो देखो इसमें कुछ ऐसे भी होता है, इससे एक वशीकरण प्रक्रिया भी होती है, सम्मोहन क्रिया भी होती है, तो ये चीजें मैंने नहीं बताई, लेकिन मैं एक प्रेम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।